सरकार से हार चुके संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की शरण में पहुंचे हैं। यहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने पहुंचकर अपनी अर्जी लगाई है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से उनकी मांग चल रही है, लेकिन सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रही है। सिर्फ उन्हें अब भगवान का भरोसा है, इसीलिए उन्होंने ग्राम कड़ा पहुंचकर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार में नारियल बांधा और अपनी अर्जी लगाई। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के अध्यक्ष दीपेश नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों की मांग लंबे समय से चल रही है। हमारी मांग में खेल एवं युवा कल्याण विभाग, महिला बाल विकास, पशु विभाग सहित कई विभाग शामिल हैं, जो लगातार क्रमिक अनशन कर रहे हैं। इस बार तो कर्मचारियों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल अनशन किया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारी अब विवश हो गए हैं। कई बार उन्होंने आंदोलन किया है, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अब भूख हड़ताल का सहारा लिया है। देश एवं विदेशों में बहुचर्चित हो चुके बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन कृष्ण शास्त्री महाराज के सामने उन्होंने अब अर्जी लगाई है। इसी तारतम्य में सबसे पहले वह बागेश्वर धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने बालाजी के सामने नारियल बांधा और अपनी अर्जी लगाई है। उनका कहना था कि अब सिर्फ बालाजी सरकार का ही सहारा है कि उनकी मांगे पूरी हो सकती हैं, क्योंकि कर्मचारियों के सामने यह स्थिति हो गई है कि अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उनका परिवार कहां जाएगा। अब तो उनकी नैया भगवान भरोसे है, इसलिए उन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के सामने मत्था टेका है और एक उम्मीद की किरण जगाई है कि शायद उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। बालाजी सरकार कोई चमत्कार कर दे, बागेश्वर धाम महाराज कोई चमत्कार कर दे, जिससे कि उनकी मांगे पूरी हो सकें। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का छठवां दिन था और ये क्रमिक भूख हड़ताल के रूप में इस बार आंदोलन किया जा रहा है, और इसी तारतम्य में आज छठवें दिन जो है हम सभी साथी जो है बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज बालाजी सरकार के पास अपनी अर्जी लगाने गए थे, क्योंकि जो है सरकार शासन प्रशासन विभाग हम लोगों की मांगों को लगातार जो है सुन नहीं रहा है, और हम लोग हर बार हड़ताल करते हैं, हर बार आश्वासन मिलता है कि आप हड़ताल ख़त्म करिए, हड़ताल के बाद आपकी मांगों को सुना जाएगा। धन्यवाद।